इसलिए पैसा की वजह से हमने ये ब्रजमंडल में आ गए। पैसा आपको कभी भी ये ब्रजमंडल में नहीं ला सकते हैं। कहते जो वृंदावन धाम की इतने महिमा श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, भले ब्रह्मेश्वरादि तुत्सु दुरुह पदार विंदम, कहते जो वृंदावन धाम है हम लोग जाएंगे बैल बन जाएंगे, अभी भी लक्ष्मी हाथ जोड़ करके बैठी हुई। अब लक्ष्मी को कभी देखना ऐसे बैठी हुई रहती है, आशीर्वाद देती है, लेकिन अब देखोगे ब्रज का बाहर में लक्ष्मी आशीर्वाद दे करके नहीं, वो हाथ जोड़ करके तपस्या कर रही है। कब ये ब्रज में हमारी बास हो, कब ये वृंदावन धाम हम प्रवेश करेंगे। शाम को जाओगे सो शंकर जी कौन है, जो देव देव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम जोगी जोगी महायोगी। लेकिन शंकर जैसे व्यक्ति भी ब्रज में प्रवेश करने के लिए चाहे तो गोपियों ने गोपी भी बने उन्होंने, लेकिन गोपियों ने गुलचा मार कर निकाल दिया उनको। इसलिए शंकर जी अभी शंकर जी वहां पर गोपीसर शिव रूप में अंदर में नहीं, वो चौकीदारी का काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं चौकीदारी का काम? शंकर जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति यहाँ की ब्रज के बाहर में वो पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, बोले किसके घर को सामने, बोले गांव के बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं उनके घर को सामने अगर हम पत्थर बन करके रहेंगे, अगर घर में प्रवेश करते समय मेरे सर के ऊपर में अगर चरण रगड़े तो इनकी चरण धूलि पा करके जीवन हमारी धन्य हो जाएगी। कौन बोल रहे ये बात को? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कौन है? ये दुनिया को जो सृष्टि करने वाले हैं। उद्धव जैसे व्यक्ति यहाँ के तृण गुल्म और औषधि वृक्ष रूप में, उद्धव जैसे व्यक्ति कृष्ण जिनके लिए कहते हैं उद्धव जी तू मेरे इतने प्रिय हो, मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, हरिहर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, मेरी अंकसाई लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, इनकी बात छोड़ो मेरे अभिन्न स्वरूप बलदेव प्रभु भी इतना प्रिय नहीं, बोले ताऊ भैया की बात छोड़ो मेरे आत्मा भी इतना प्रिय नहीं। तू जितने प्रिय हो, ऐसे उद्धव जैसे व्यक्ति यहाँ की गुल्म लता और औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं। और वो जो वृंदावन धाम में आप लोग आए कोई साधारण बात है? सब ताली बजा आप लोगों के लिए, सौभाग्यवान हो जो कि आप लोग वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए और गुरु वैष्णव की आनुगत्य में आए। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं धाम को आंखों से मत देखा करो। मैंने देखा कुछ माताएं अपने आप घूम रही, अपने आप घूम रहे हैं। प्रभुपाद कहते नहीं, ये धाम को आंखों से दर्शन मत करो। कैसे दर्शन करो? कानों से। कानों से प्रभुपाद कहते, बोले क्यों? आंखों से देखोगे तो क्या देखोगे? नाली बहते हुए देखोगे, सूर्या घूमते हुए देखोगे, उजड़ते हुए देखोगे। बोले भैया हमारे शहर तो बढ़िया था, हम जहाँ रहते हुए तो बढ़िया था, यहाँ पर नाली बह रही पता नहीं, और यहाँ पर सूर्या सब घूम रहे रास्ता रास्ता में तो बड़े गंदा पड़ा हुआ है। और आंखों से देखोगे ना और ऐसे ही देखोगे, इसलिए कहते आंखों से मत देखा करो। कैसे देखो? कानों से। कानों से देखो। कानों से देखो मतलब क्या है? यहाँ की हरि कथा सुनो, भक्तों से हरि कथा सुनो। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भले गौरा मार जे सब स्थाने कर ब्राह्मण रंगे से सब स्थान है रबामी प्रणई भागत सांगे शोध भक्तता चरण रेणु भजन आनो होला शोध भक्तता चरण रेणु भजन आनो होला। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण ने महाप्रभु ने जहाँ जहाँ लीला की है कैसे दर्शन करेंगे? बोले आंखों से नहीं, संतों की अनुगत में, भक्तों की अनुगत में दर्शन करेंगे। इसलिए नारद जी कृष्ण से तुमने दो वर मांगे थे। कितना वर मांगे थे? दो। क्या क्या बोलो? पहला वर है प्रभु जी तुम्हारी कथा सुन करके जैसे किसी को अरुचि नहीं हो, अरे इतना सुन लिया सुनी सुनाई कथा कितना सुनेंगे, नहीं, जितना तुम्हारी कथा सुने उसके हृदय में उतना उत्कंठा बढ़े
इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडव ते तुंडा बलि लब्धे कर्ण क्रडो कड़बिनि घते कर्णा बुधेव स्प्रिया। रूप गोस्वामी कहते हैं ये कानों में जब कृष्ण कथा प्रवेश करता है वो ब्रह्मा जी को निंदा करते हैं। ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने सुंदर कृष्ण की कथा सुनने के लिए दो ही कान क्यों दिए? बोले करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया? इसलिए पृथ्वी महाराज कहते मेरे को प्रभु 10,000 कान दे दो। कितना कान दो? 10,000। बोले 10,000 यहाँ दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो कान हो जाए पूरा शरीर में कान ही कान हो जाए अच्छी लगेगी? दो कान तो अच्छी लग रहे है ना। बोले इसका मतलब क्या? बोले कान तो दो ही हो लेकिन इन दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतने शक्ति दे दो जैसे 10,000 कानों में कृष्ण कथा सुनने की जितने शक्ति हो। और दूसरा मतलब कहते हैं जैसे कथा यहाँ भी हम कर रहे हैं और भी तो कहीं कथा होती होगी, कहीं की कथा हमारी चूक नहीं जाए। जहां जहां कथा हो उतना में रूप लेकर के वहां पर बैठ करके तुम्हारी कथा को जैसे सुनते रहो है। इसलिए दूसरा वर क्या है ध्यान देकर सुनना, फिर पूछूंगा बाद में। लगता है सवेरे जल्दी जल्दी उठे, नींद आ रही है, नींद आ रही है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा जग जाओ थोड़ा। इसलिए दूसरी जो वर है नारद जी कहते प्रभु आप जहां जहां पर लीला की हो अगर वह स्थान में अगर भक्तों की अनुगत्य में कोई जाए और वहां पर बैठे जहां लीला की वहीं पर बैठे बैठ करके आपकी कथा सुने और कथा सुनने के बाद ऐसे नहीं झट उठ जाओ, वहां की धूल अपना शरीर पर लगानी चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर राधा कृष्ण लीला की इसलिए यहाँ धूल कोई साधारण धूल नहीं है, इसलिए यहाँ का धूल को शरीर पर लगाए। अगर लगाए तो आप हमें ये आशीर्वाद दो अपने वहां पर जो लीला की है एक दिन उसके हृदय में ये समस्त लीला उसका हृदय में प्रकट हो जाए, उसके हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब के सब खत्म हो जाए और हृदय इसकी शुद्ध हो जाए। भगवान ने तथास्तु बोले। बोले ठीक है नारद जी मैं तुम्हें यही वरदान देता हूँ। इसलिए आप लोग जहां जहां जांच करके बैठते हो कथा सुनते हो ना ये मत समझना बाबा लोग कहाँ ले आए, हम घर में तो चेयर में बैठते थे सोफा के ऊपर बैठते थे, यहाँ पर सब धूल पड़ा हुआ है और बाबा लोग हमें धूल में ला कर कहाँ पर धूल में हमें बैठा दिया। ऐसे नहीं सोचना, यहाँ की धूल के लिए ब्रह्मा शंकर भी यहाँ की धूल के लिए तरसते हैं, इसलिए नियम है। इसलिए रसखान कहते हैं बोले भैया ब्रज में आकर जरूर दो काम करना। कितने काम करना? दो काम। बोले जमुना नदी नहाए नहीं कि लेट आचमन करो, ठीक है, और दूसरा काम क्या करो यहाँ ब्रज रज में लौट फुट खाओ, थोड़ा खा लो तुम। इसलिए ब्रज रज में लौट बट खाओ, जब करोगे तभी रसखान कहते हैं तभी तुम्हारी हृदय में ये ब्रज की महत्व तभी तुम्हारे हृदय में प्रकट। इसलिए आप लोग मतलब क्या है हम भगवान को भूल करके ये 84 लक्ष जोनि में हम भटक रहे हैं। अगर एक बार कोई 84 ब्रज मंडल परिक्रमा इसलिए बड़ा पार है हाँ, भगवान के चरण में हमें भक्ति और प्रेम प्राप्त होगी। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हो। अभी आप लोग ने राधा रमन दर्शन करके आए हाँ, ये जो ठाकुर दर्शन किए हैं वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ दर्शन राधा रमन है, सबसे श्रेष्ठ दर्शन श्री राधा रमन है हैं। इसलिए जो राधा रमन है इसको ये मूर्ति को किसने बनाया नहीं, ये मूर्ति को ये स्वयं प्रकट हुए हैं। कहते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उन्होंने घर छोड़ इनकी लंबी कथा बाद में सुन लेंगे, जब उन्होंने घर छोड़ करके श्री गंडोकी नदी होते हुए जब वो आ रहे थे उसी समय में गंडोकी नदी से उनको शालग्राम मिला था 12 टो और अपना गले में ही रख करके जैसे हम माला झोली रखते हैं ना हृदय में धारण करते हुए भ्रमण करते करते वृंदावन धाम में आए। जब आए वो शालग्राम को सेवा पूजा करते थे। अभी झूला का समय आया, किसी सेठ ने देखा संतों को कहां से कपड़ा लता मिलेगा, ये तो ठाकुर जी को झूला में झूलाएंगे हैं, झूला में ठाकुर जी को झूलाएंगे। इसलिए उन्होंने मंदिर मंदिर में उन्होंने कुछ उन्होंने कपड़ा लता को देकर गए ठाकुर जी को झूला में तुम लोग को झूलाना, लेकिन इनको पास में नारायण शालग्राम था। अभी शालग्राम को उन्होंने कैसे धारण कराए जिसका तो मुंह नहीं हाथ नहीं पैर नहीं,
जितने भी उनको सर्वत्र हाथ पानी सर्वत्र है, लेकिन हमें क्या दिखते हैं, लड्डू जैसे हैं, सालग्राम। जब इनको कपड़ा दिए, अभी वो सोच रहे हैं अगर मेरे पास में कोई ठाकुर होते तो हम ठाकुर जी को झूला में बैठा करके ठाकुर को झूला दे। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, ठाकुर जी भक्तों की भावना को प्रेम को दूर करते हैं। लेकिन जब उन्होंने ठाकुर जी को शयन किया ना, शयन करा के चले गए, इतने में ठाकुर जी रात में स्वप्न दिया, बोले गोपाल भट्ट तुम चाह रहे हो मेरे को झूला में झुलाने के लिए, बोले हाँ, बोले सवेरे आ करके देखना मैं ठाकुर बन गया। सचमुच से जब दूसरे दिन उन्होंने आए और ठाकुर को उन्होंने शयन दिया था, जब उन्होंने खोला देखा जो सालग्राम, अब जो ठाकुर जी को दर्शन करके आए, वो त्रिभंग ललित रूप में कृष्ण बंसुरी बजाते हुए देखे। देख करके सारे गोस्वामी को उन्होंने निमंत्रण दिया, ये सालग्राम से स्वयं ठाकुर जी हुए हैं। सारे गोस्वामी लोग आए, आकर के देखा इतने सुंदर ठाकुर जी है, इतने सुंदर ठाकुर जैसे हम शास्त्र में श्रवण करते हैं कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं। कृष्ण कितने जगह से टेढ़े हैं? तीन जगह से। ये टेढ़े क्यों है, सीधा क्यों नहीं है, कारण क्या? देखना कोई सीधा चीज अगर अंदर में जाए निकल जाएगा, लेकिन कोई टेढ़ा चीज घुस जाए ना फिर तो निकलेगा नहीं। इसलिए अगर किसी के हृदय में ठाकुर जी अगर टेढ़े रूप में घुस गए ना, इसलिए ब्रज में एक भजन है, बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, जसोदा तेरे टेढ़ी को फूल तेरो टेढ़ो टेढ़ो रे टेढ़ो तेरी मखिया दो करिया, तू टेढ़ो तेरी। इसलिए तीन जगह से टेढ़े हैं, जैसे आप लोगों का दिल में बैठी गए, इसलिए देखो घर बार छुड़ा दिया। इसलिए हमारे एक गोस्वामी कहते खबरदार, ये कृष्ण की चक्कर में मत पड़ा करो, इसके चक्कर में पड़ोगे ना फिर तो राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो। इसलिए आपको पागल बनाकर सब वृंदावन में आ गए, भाई बंधु को छुड़ाया और वृंदावन में पागल बना दिया। इसलिए कहते तीन जगह में टेढ़े, देखो बड़ी सुंदर बंसुरी बजाते हुए। अब अगर ध्यान करके देखोगे राधा रमण को, देखना दो दांत दिखते हैं, देखे ना उनके दो दांत दिखती हैं, मुस्कुराते हुए ठाकुर जी हैं, मुस्कुराते हुए तीन जगह से टेढ़े। उनको पीछे सालग्राम लगा हुआ, सालग्राम राधा रमण को पीछे सालग्राम लगा हुआ है। इसलिए गोस्वामी लोग आकर के बड़े सुंदर ठाकुर जी को देख करके इनका नाम क्या रखा, राधा रमण। राधा रमण मतलब क्या, जो राधा रानी को साथ में जो बिहार करते हैं। इसलिए उनके गोस्वामी लोग कहते हैं हर मंदिर में देखना राधा रानी कृष्ण को साथ में, राधा रानी, लेकिन वहाँ कृष्ण राधा रानी को नहीं देखोगे। बोले क्यों? बोले वो कोशिश ही कर रहे थे राधा रानी को प्रकट करने के लिए, उनको प्रतिष्ठित करने के लिए, लेकिन कृष्ण चाहे नहीं। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले वो जो विग्रह है, कहते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जब महाप्रभु गए थे दक्षिण देश में, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे बालक थे, तो उसी समय महाप्रभु चार महीना तक दक्षिण देश में रहे। जब ये वापस आए ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी इनको साथ में भी आना चाह रहे थे, लेकिन महाप्रभु बोले देखो कुछ दिन तक तुम रुक जाओ, तुम्हारे पिता माता वृद्ध हो गए हैं, पिता माता को बाद में फिर तुम घर में चले आना। इसलिए जब उन्होंने आए, महाप्रभु का विरह में बड़े दुखी होते थे, रोया करते थे, महाप्रभु का विरह में जो रोते थे, इनकी विरह को देख करके कदी सालग्राम स्वयं श्री राधा रमण रूप में प्रकट हो गए। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, बताओ कौन है चैतन्य महाप्रभु? राधा कृष्ण। हाँ, इसलिए इनका नाम गौर हरि, गौर हरि मतलब गौरी राधा रानी, हरि कृष्णा, ये दोनों मिल करके ये श्री चैतन्य महाप्रभु। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए ये राधा कृष्ण मिलित तनु है, इसलिए महाप्रभु में तो राधा कृष्ण दोनों हैं, और इनकी विरह से ठाकुर जी प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम राधा रमण। मतलब राधा जी को साथ में जो रमण विहार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राधा रानी नहीं है, क्योंकि महाप्रभु का विरह में वो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, विरह में प्रकट हुए हैं। इसलिए जब यहाँ पर औरंगजेब ने आक्रमण करके हिंदू विद्वेषी हमारे हिंदू मंदिर को सब तोड़ फोड़ कर रहा था, यहाँ से सारे ठाकुर चले गए। जयपुर से कौन कौन आए हो, हाथ उठा दो। हाँ,
वहां पर सभी ठाकुर जी हमारे जो गौड़िया के सब ठाकुर चले गए, कहाँ चले गए? सब के सब जयपुर में चले गए हैं, सब ठाकुर जयपुर। जयपुर क्यों गए? जहाँ उनको प्रेम करने वाले हो ना ठाकुर जी, वही चले जाते। सचमुच से उनका नाम ही, उनका नाम जयपुर है। जयपुर मतलब क्या? हर समय जिसका जय है। अब तो गोविंद देव मंदिर में जाते होंगे, एक एक झांकी में हजार हजार लोग गोविंद देव के, एक एक झांकी में मंगला आरती में जाओ 4:30 बजे, ठंडी का समय में बाबा भरा हुआ दिखता है। क्योंकि जहां उनको प्रेम करने वाले मिले ना, ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, इसलिए ठाकुर जी चले गए। लेकिन जो राधा रमण ये नहीं गए, भले क्यों नहीं गए? देखो एक चीज समझो, ठाकुर जी हमें छोड़ते हैं कब? ठाकुर जी तभी छोड़ते हैं जब ठाकुर जी का हम प्रेम नहीं करें, ठाकुर को खिलाए नहीं, पिलाए नहीं, उनकी श्रृंगार नहीं करें। इसलिए ठाकुर को अच्छे तरह से सेवा पूजा करनी चाहिए। ऐसे नहीं दी